किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में आपका स्वागत है। ये वीडियो हम बना रहे हैं मंडी डब वाली पे सरान डेयरी फार्म की। सरान डेयरी फार्म के जो मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये कुछ गायें मंडी पे लेकर आए हैं, जो सामने स्क्रीन पे गायें देख पा रहे हो ये सभी गायें वहाँ तक सेल के लिए अवेलेबल है। क्या रेट की गायें हैं, कितने दूध की गायें हैं, उसके बारे में जो गायें के मालिक हैं वो हमें बता देंगे। सब गायें आपको चला कर दिखाएँगे, 4-5 गायें, और रेट दूध बताएंगे। अगर आपने ये गायें खरीदनी है, सभी गायें सेल के लिए अवेलेबल है। तो ये सरान डेयरी फार्म का नंबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उस नंबर पे कॉल करके ये गायें खरीद सकते हो। अगर आपने यहाँ पर आकर गायें खरीदनी है तो आकर भी खरीद सकते हो, अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जैसा आपको ठीक लगे वैसे तरीके से आप गायें खरीद सकते हो। अभी ये वीडियो हम मंडी डबवाली पे बना रहे हैं, उधर देख सकते हो पूरी मंडी लगी है। ये मंडी महीने पे 4 बार लगती है और संडे को, तो इस मंडी से आकर आप पशु खरीद सकते हो। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या हाल है जी? बढ़िया सर। कितनी गायें मंडी पे लेकर आए हो जी? आज 9 गायें लेके आए थे जी। ठीक है जी, रेट कहाँ से शुरू होता है जी, कहाँ पेंड होता है? रेट 55,000 से लेके जी 48,000 तक है। ठीक है जी, और एवरेज मिल्किंग जी? मिल्किंग बस 20-22। ठीक है जी, और कुछ किसानों को मैसेज देना चाहूँ? वैसे तो आपकी पुराने टाइम से वीडियो आ रही है मालवा फार्म पे, जो नए किसान पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहूँ? बस माल जो किसानों ने लेना है अपना ध्यान से लो जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अच्छे कस्टमर से लो, आगे से जिससे भी लेते हो बढ़िया फार्मर से लो। बस गायें खरीदते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जी? आपकी तो काफ़ी उम्र है, काफ़ी टाइम से आप मंडी पर काम कर रहे हो, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहूँ जी। गाय का थोड़ा बहुत ऐसा है जी, एक तो अडर क्वालिटी देखनी चाहिए, अडर थोड़ा सा फिट अडर वाली होनी चाहिए गाय, ठीक है जी। एक शुद्धि सैनी घनी होनी चाहिए, मतलब कि हाथ हूथ फेरनी चाहिए, ठीक है, टांग टूंग ना ठहती हो, यही है। मतलब कि एक ब्रीड वाला लेना चाहिए, जो किसान का थोड़ा सा मतलब कि जिसने पैसा कम लगाना है तो वो क्रॉस भी ले सकता है, नहीं तो ब्रीड वाला काम करे तो अच्छी बात है जी। जी हाँ जी, ये मंडी है जो डब वाली कितने सालों से चल रही है जी? ये तो हमें पहले की बात ही है जी, हमारे से आपकी उम्र से भी पहले की चल रही है जी? चल रही है जी, मैं 97 का काम कर रहा हूँ जी। 1997 का? हाँ जी सर। आप काम कर रहे हैं? हाँ जी सर। उससे पहले की मंडी चल रही है? उससे पहले की है। ठीक है जी, तो अभी गायें चलाएं जी? हाँ जी। ये जो गायें हैं फर्स्ट वाली कौन से ब्यांत की गाय है? ये सर दूसरे ब्यांत की है। ग्यापन है जी? हाँ जी, ग्यापन अभी तक 15 रोज की कच्ची है जी। आप मंडी पे ज्यादातर ग्यापन गाय लेकर आते हो, क्यों जी? सर बिकती क्या अपना, जहाँ गुजरात का, महाराष्ट्र का, एमपी का, कर्नाटका का वो कस्टमर आता है, तो वो थोड़ी सी कच्ची गायें लेके जाता है, कच्ची गायें के डिमांड ज़्यादा है जी। सफ़र ज़्यादा हो जाता है ना? सफ़र ज़्यादा है, रास्ते में जो बच्चे वाली गायें हैं उसकी थोड़ी सी डिमांड कम है जी। तो दूसरे ब्यांत में क्या बनाए जी गाय? हाँ जी दूसरे ब्यांत। कितने दूध की है जी? ये सर दूध 20+ देगी सर। ठीक है जी, और जो रेट जी आपका? ये 52,000 की है सर। आपका तो फिक्स ही रहता है प्राइस? बिल्कुल फिक्स है सर। चलाओ जी गाय को। तो किसान भाई अभी हम आपको पहले नंबर की गायें चलाकर दिखा रहे हैं, ये दूसरे ब्यांत की ग्यापन गायें हैं। गायें की क्वालिटी आप देख सकते हो, 52,000 गायें का रेट है। सरान डेयरी फार्म का जो रेट रहता है फिक्स प्राइस रहता है। गायें की क्वालिटी आप देख सकते हो, क्वालिटी आपके सामने है। ये गायें सेल के लिए अवेलेबल है, अगर आपने गायें खरीदनी है तो दिए हुए नंबर पर कॉल करके गायें खरीद सकते हो। और दूध 20-22 लीटर दूध गायें बड़ी आसानी से दे देगी। हर तरह का रेट और हर तरह की क्वालिटी इस फार्म पे अवेलेबल रहती है, ऑनलाइन ऑफलाइन आप ऑर्डर कर सकते हो। क्रॉस में है, गाय की क्वालिटी देखो कितनी अच्छी है, हाई ब्रीड देखो कितनी अच्छी है, अटर देखो घुटनों से ऊपर है जी, जी अंचल देखो चारों के चारों इक्वल गैप पर है जी। जी गाय कौन से ब्यांत में जी? ये भी सर दूसरे हैं जी, भी ज्ञापन है? हाँ जी ज्ञापन है। कितने दिन ले जाएगी अभी? अभी ये 10-12 रोज की कच्ची है। ठीक है जी, और दूध क्या देगी जी? दूध सर ये भी 20+ देगी। और रेट जी गाय का? एक कम 50 की है सर, 49,000 की। चलाओ जी। तो किसान भाइयों ये दूसरे में अंत की ज्ञापन, 49,000 में गायें आपको मिल जाएगी, सेल के लिए अवेलेबल है। दूध आपको बता दिया, ये गायें भी सेल के लिए अवेलेबल है, वहाँ तक इनकी गायें खड़ी है, सभी की सभी ज्ञापन गायें हैं। अगर आपने गायें खरीदनी है तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके ऑनलाइन ऑर्डर बुक कर सकते हो, अगर आपके पास समय है तो यहाँ पर आकर गायें खरीद सकते हो। देखो सर मिल्कमैन देखो कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, कलर देखो कितना प्यारा है, ठीक है जी, ऐसा थोड़ी सी कच्ची है इसीलिए ऑर्डर कम दिखा रही है,
बहुत ज़्यादा ऑर्डर भरेगी, जब ऑर्डर भरेगी ना तो बैठा नहीं जाएगा इससे। देखो फेस क्वालिटी देखो कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, देखो जी देखो मिल्कमैन देखो सर कितनी कितनी बढ़िया मिल्कमैन है, अभी तक कच्ची है, 15 रोज की कच्ची है जी, बहुत ज़्यादा ऑर्डर भरेगी जी। जी गाय कौन सी बैंड की जी? ये भी सर दूसरे हैं, सभी गाय दूसरी बैंड की है, दूसरे है जी, कच्ची है ये भी देखो जी। ठीक है जी, कितनी कितना दूध देगी जी? दूध सर ये 22+ निकाल देगी, 22 लीटर। हाँ जी बिल्कुल श्योरली निकालेगी जी। और रेट जी? ये 51 की है सर, 51,000 की जी सर। ठीक है, तो किसान भाई और दूसरे भी अंत की सभी गायें जो ज्ञापन है हम आपको चलाकर दिखा रहे हैं, और दूध आपको बता दिया, रेट की बात करें तो 51,000 में आपको गाय मिल जाएगी, सेकंड लैक्टेशन 51,000। गाय की क्वालिटी आप देख सकते हो, क्वालिटी आपके बिल्कुल सामने है, जैसा आगे से आप रेट लगाओगे वैसी आपको आगे से क्वालिटी मिल जाएगी। ये सभी की सभी गायें सेल के लिए खड़ी है, ये देखो सर कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, 4 डाल देखो गाय की, देखना सर कितनी कलर देखो कितना प्यारा है, ये चीज़ें देखने वाली है, बहुत बड़ी बात है जी। हम ये इसको ये नहीं कहते ये डेनमार्क किया, ये इंग्लिश किया, ये झूठ हम बोलते नहीं, कभी भी नहीं झूठ बोलते, ठीक है जी। कहने को हम कलर बोल के कुछ भी कह सकते थे, आप मान जाते, किसान भी मान जाएंगे, पर हम ये काम धोखेधड़ी वाला करते नहीं, हम सफाई खदाई वाला काम करते हैं जी। हम तो ये कहते हैं, लोग कहते हैं 2,000 मान जान से देते हैं, पर हम नहीं 2,000 से देते जी, हम 5,000 रुपये लेते हैं जी गाय का, एक गाय का 5,000 रुपये लेते हैं जी, 2,000 में सर कौन देगा गाय? अच्छा जी, गाड़ी सुबह निकालते हैं 2,000 का, तो वो डीजल ही खा जाते हैं, तो वो नौकर रखा हुआ केयर टेकर रखा है, इसकी 15,000 रुपये इसकी तनख्वाह है, 2,000 में गाय दे के हमें क्या बचेगा जी? ये तो आप भी समझते हो ना, बात पढ़े लिखे इंसान हो। सही है जी, हम 5,000 से कम गाय नहीं देते जी किसी को भी। इस गाय के बारे में बता दो जी। ये सर पहलवान, पहलवान है जी, पहलवान। और कितने दिन ले जाएगी अभी जी? अभी तक इसके 10 रोज पड़े जी। क्या दूध देगी जी? दूध सर ये 18+ तो देगी जी, 18 और 20 के बीच में देना। ठीक है जी, अगर रेट की बात करें क्या रेट है जी आपके फार्म का? ये 47,000 की है जी, 47 की। तो किसान भाई फर्स्ट लैक्टेशन की जो गाय है 47,000 में आपको मिल जाएगी, 18 के आसपास में गाय दूध करेगी, क्वालिटी आप देख सकते हो बछड़ी है भाई, तो क्वालिटी देखो जी, फेस क्वालिटी देखो कितनी अच्छी है, ठीक है जी। अभी तक 15 रोज की कच्ची है, जैसे जैसे ऑर्डर भरेगा वैसे वैसे ना गाय से बैठा नहीं जाएगा, इतनी अच्छी कितनी प्यारी ब्रीड है जी, देखो कलर क्वालिटी देखो कितनी प्यारी है, मिल्कमैन से देखो कितनी है, अभी तक 15 दिन की कच्ची है फिर भी देखो जी मिल्कमैन कितनी है, फेस क्वालिटी देखो कितनी प्यारी है, कितना प्यारा कलर देखो, शाइनिंग देखो जी कितनी है, ये चीज़ें बहुत बड़ी देखने वाली चीज़ है जी, मैंने रखती है देखो मत्थे के ऊपर, ये जो डंगाई है ये भी देखने वाली चीज़ होती है जी, ये देखो सर ये बिल्कुल जो प्योर वाली है उसकी होती है ये चीज़ें, छोटा छोटा कान, ये काने के ऊपर जो बाल होते हैं ये प्योरिटी में होते हैं सर। तो किसान भाइयों ये गाय थी 4-5 गायें हमने आपको चलाकर दिखा दी है सरान डेयरी फार्म की, सभी गायें आप इधर भी देख सकते हो, वहां तक इनकी गायें सेल के लिए अवेलेबल खड़ी है, अगर ये गायें खरीदनी है तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके ये गायें खरीद सकते हो, रेट आपको एवरेज बता दिया, एवरेज रेट और दूध बता दिया, और आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, वीडियो देखने के लिए सभी किसान भाइयों का धन्यवाद।